lunch too quick. Night night. नहा लिया है, आउटफिट पहन लिया, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करूंगी। मैंने चिट्टा पहन लिया है तो बच बच के करना पड़ेगा। लेट्स डू। हे गूगू स्टॉप। हर रोज़ मैं इतनी जल्दी रेडी नहीं होती हूँ, बट सम डेज़ हो भी जाती हूँ, बट सम डेज़ बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। सो आज हम रेडी इसलिए हुए हैं क्योंकि मुझे जाना है हिम्मत की डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया है। हस्बैंड भी जाने वाले हैं क्योंकि वो थोड़ा दूर है हॉस्पिटल, एंड जैसे चिंता की बात नहीं है, वैसे रेगुलर अपॉइंटमेंट है। सो इसलिए अपॉइंटमेंट थोड़ा लंबा लास्ट कर सकती है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ खा के जाएँ। एग ब्रेड भी खा सकते हैं, पर मैं कुछ प्रेयर कर रही हूँ, उस पर मैंने एग खाना भी बंद कर दिया है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि ग्रीन परौंठी बना लेते हैं, वो हिम्मत को अच्छी लगती है, एंड लेफ्ट ओवर दाल भी है मेरे पास। सो जल्दी से आटा गूंथ लेते हैं। परात लेंगे, एक्चुअली ये परात नहीं है, बोल है। फ्रोजन मेथी यूज़ करूँगी मैं। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं मुझे हर चीज़ में ऐड करनी होती है। थोड़ी हल्दी भी डालने वाली हूँ मैं। मेथी के आने की वेट कर रही हूँ, थोड़ी सी ग्रीन चिली भी ऐड कर देते हैं। थिन ग्रीन चिली बहुत बारीक काट के। इस तरह का मिक्सचर बन गया है, अब इसको गूंध लेंगे। जब भी मैं दाल का आटा गूंथती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि दाल जितने से ही आटा गूंध जाए, मुझे पानी ऐड नहीं करना पड़े, उससे परांठा बहुत सॉफ्ट बनता है। सो दैट्स दैट। सो थोड़ा सा पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फिर ना आटा सख्त होता, सख्त आटे से परांठी सॉफ्ट नहीं बनती। थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं। गाइज लेट मी शो यू समथिंग। सो दिस इज रेडी टू विन चैलेंज। सो हिम्मत के स्कूल में ये चैलेंज होता है जिसमें उसको जितनी किताबें पढ़ेगा उतना ही उसको प्राइस मिलेगा। सो ये 10 किताबें हिम्मत ने ऑलरेडी रीड कर ली हैं मार्च मंथ में। आर यू वांट एक्सप्लेन समथिंग अबाउट इट हिम्मत? गाइज इफ यू वांट टू विन यू हैव टू रीड 10 बुक्स and put all the chapters. Are you excited to read more books? Because it's only 7 March today and you already read so many. I'm so proud of you. Mm-hmm. Guys, I'm gonna go to library and get more and more and more and 100 books. Oh my God. Well, you're gonna break the records in the school, I think. We'll see you there. हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो क्विकली हम बना लेंगे क्योंकि अदरवाइज ना अगर आप आटे को थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी स्वीट बनती है, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं है। व्हेन डैडी इज रेडी, व्हाट इज डूइंग डैडी? जान ली रेडी है? हां। कपड़े पहने सोने इसमें पानी है।
रोटी खा लो फिर आपको 50 मिनट से निकलना है। सब्जी आलू बैंगन बनाया दाल। हाँ चलो वो कितने चलना पालो दही दही पालो मीमी नो पालो प्लीज एंड नॉट डोंट मेक मैस प्लीज डोंट मेक मैस। और अगर तू ये अपनी परौंठी जो अनियन पाना है तो अनियन छोटा छोटा काट के दे दोगे प्लीज थैंक यू वेरी मच। डोसा बना जोगी रहा ना तो ढिड भरना ही नहीं। डोसे लिए इदा है कि वड्डा सारा तवा होवे कि बंदा बस एक बनावे वड्डा सारा जिदा वह दिंदे आ प्लेट जिदा डोसा है ना थाले तो बाहर आंदा हुंदा उहनां दा डोसा बस गल मुक्की निक्की निक्की डोसियां नाल नहीं बनदा वो जी थले आंदा। ओके सो जाने से पहले मुझे किचन को क्लीन करना अच्छा लगता है ताकि जब मैं घर में आऊँ घर थोड़ा अच्छा लगे अदरवाइज खिंच आ जाती है। Guys, look at this mountains. दिख रही है सच बहुत अच्छा क्या प्यारा क्लीन दिन है। I can't see. Yes. What do you say? I said washrooms exist. Okay, so हम लोग आ गए McDonald's में fries खाने के लिए and चाय पीने के लिए and muffin खाने के लिए। उसके बाद हस्बैंड को कुछ काम करना है and उसके लिए मैं पति की हेल्प करूँगी and उसके बाद आई थिंक वी आर डन। क्या डॉक्टर के क्लिनिक में 2-3 घंटे लग गए हमारे। So you wanna say something? इतना खाना होता है पर खा नहीं सकता वो इट्स नॉट ही बोल रहा हूं कि श्योर इट इज सो व्हाट डू यू डू नो थैंक्स।
ਸੋਚਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਵਲੌਗਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣੇ गाड़ी में आ गया पता नहीं अचानक से मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ एंड हस्बैंड ने जो काम करना था वो कर लिया पर अब वो किसी से मिलने के लिए गए हैं फॉर नाउ और मैं और हिम्मत लेने वाले हैं संतरे की ब्रेक मैं लेके आई थी हमने ना घर में इतने सारे संतरे हैं और मैंने सोचा बाहर जाके कई बार मन करता है तो खा सकते हैं सो वी गोना ईट मैंने तो वॉश कर ली सैनिटाइज वाला मैंने मैं भी सेम सैनिटाइजर यूज किया ड्राई हो गए ना सो डिनर बनाने के लिए मेरा मन नहीं है ना ही मुझे ज़्यादा भूख है कल मैंने पास्ता बनाया था वो लेफ्ट ओवर है वो मैं खाने वाली हूँ थोड़ा सा हिम्मत ने ऑलरेडी खा लिया है 7:30 होने वाले हैं एंड देन मेरे सोने का समय होगा पर इस पास्ते में ना मैं थोड़ा सा क्रीम ऐड करने वाली हूँ और ऐसे ही मैंने पैन में फ्रिज में रख दिया था सो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है सो इसको करते हैं थोड़ा सा डेकोरेट सो मेरे पास ये इटालियन चिलीज है जिसको मैं एक्चुअली यूज़ करती हूँ किस काम के लिए फकाशिया बनाने के लिए इटालियन सैंडविच एक ही चम्मच रह गया इसको भी ऐड कर देते हैं थोड़ा सा इसको ढक के गर्म करेंगे सो देखते हैं कि हिम्मत के हिम्मत लंच में क्या लेके जाएगा कि ये बहुत बड़ा इशू है आप कंफ्यूज होते हैं कि वो क्या लंच में लेके जाए आपके बच्चे क्योंकि हिम्मत ना बहुत ज़्यादा पिकी है एंड बहुत मुश्किल होती है मुझे कि वो क्या खाएगा क्या नहीं पास्ता उसे अच्छा लगता है ये भी जा सकता है अगर वो चाहे तो या फिर उसे ना ग्रीन परांठा बहुत अच्छा लगता है जो मैंने अर्लियर सुबह बनाया था उसका आटा मेरे पास है तो कल मैं उसको परांठा भी बना के दे सकती हूँ एक्स्ट्रा बटर के साथ वो भी लेके जा सकता है ओ एक्चुअली ईजी पीजी कल उसका लंच लेके जाने का दिन नहीं है क्योंकि कल फ्राइडे है एंड फ्राइडे को अल्बर्टा में हाफ डे होता है स्कूल का ऑन्टेरियो में ऐसा नहीं था वहाँ पे फुल डे होता था पर अल्बर्टा में स्कूल का हाफ डे होता है सो लंच ब्रेक नहीं होने वाली है लंच के लिए वो घर आ जाएगा ओ सो लंच बनाने की चिंता नहीं है सो ये हम लोग डिनर करने वाले हैं सो लंच की बहुत चिंता होती है मुझे क्योंकि अगर मुझे सुबह उठ के कुछ कुक करना पड़ता है या रोटी बनानी पड़ती परांठा बनाना पड़ता है तो उसमें फिर मुझे ना थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है एंड कल मैं फास्ट करना चाहती हूँ अच्छा है कि मुझे ये काम नहीं करना पड़ेगा सो या दैट्स ऑल ओके सो पास्ता खाने वाली हूँ मैं हिम्मत को दे दिया मैंने एंड मैंने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है वैसे तो अच्छा ही था पहले भी पर फ्रिज पे ना थोड़ा सा ड्राई हो जाता है सॉस गुआच जाती है तो थोड़ा सा इसको मैंने सॉसी और किया है वैसे मैंने कुछ खास नहीं ऐड किया बस वो चिली चिली स्प्रेड सी ऐड की है एंड थोड़ी सी क्रीम दैट्स इट अभी ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस एंड अभी ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बन गया है सो गुड सो 7:30 हुए हैं 7:30 हुए हैं सोंगी मैं अराउंड 9 सो ठीक है वैसे मैं ना इतनी लेट खाना नहीं खाते पर घर आके बाहर से चाय पीने के लिए मन था चाय पी ली एंड उसके बाद एक डेढ़ घंटा मैं मेरे दोस्त के साथ बात कर रही थी एंड उसकी वाइफ के साथ एंड लेट हो गया वैसे मैं खा लेती हूँ अदरवाइज इतनी अदरवाइज मैं जल्दी खा लेती हूँ खाना सो गुड
बताया नहीं मैंने आपको, इसकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, स्मॉल कैन कुक, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी का पास्ता यूज़ करें एंड रेसिपी को फॉलो करें एंड अपनी मज़े की इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं, पर मुझे इसमें मशरूम सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। वैसे मैं मशरूम की बड़ी फैन हूँ। सारे काम फिनिश करके जा चुकी थी पर मुझे याद आया कि मुझे दही को जमाना है, सो अब मैं आ गई हूँ दोबारा, दूध बॉयल कर रही हूँ, जमा के जाती हूँ क्योंकि दही ख़त्म हो गया है हमारा। सो ये लेफ्ट ओवर है, इसी में जमा दिया जाए। सो दूध उबलते एंड पोत बिगड़ते टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही फेमस पंजाबी की कहावत है। सो इसलिए दूध पे अख रखनी पड़ेगी, जब ये थोड़ा ठंड उबलने के बाद थोड़ा ठंडा होगा उस समय में मैं स्किन केयर कर लूँगी, क्योंकि सोने के लिए मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि जब तक मैं सोने के लिए नहीं जाऊँगी हिम्मत भी नहीं जाएगा। सो दैट्स माई प्लान। या ऑलरेडी 9:30 हो चुके हैं, अब तक मुझे बेड पर चले जाना चाहिए था। पत्ती थी बनी हुई गच्चक, बहुत ही ना कैंडी जैसी चुई हो गई है, पर मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि पत्ती की ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कम की है। जैसे गुड़ की शाइन है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने इसको ढक दिया है ताकि जल्दी जल्दी उबल जाए, उबाला आ जाए, उबले ना, उबलने से बचा लूँ मैं इसको। इसी तरह मेरा खूबसूरत दिन निकल गया है आज का। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे फ्यूचर में आने वाले प्यारे प्यारे वीडियोस को आप मिस नहीं करें। एंड अगर आप मुझसे कोई खास वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी आप कमेंट छोड़ सकते हैं। एंड मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप लंच में लंच के लिए चिंतित रहते हैं कि क्या बनाया जाए क्या नहीं, और या अपने बारे में कुछ बताना कमेंट्स में। मैं इस वीडियो के हर एक कमेंट का रिप्लाई करने वाली हूँ। एंड अगर आपने आज तक मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट नहीं किया है तो आज आपका दिन है, ज़रूर से करना, हम लोग बातचीत करेंगे कमेंट्स में। एंड या अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर से करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी वीडियोस बनाती हूँ एंड मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपलोड करती रहती हूँ ताकि हम लोग यू नो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ।